पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, इन बॉटम में आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इसमें बता दूं कि ये वीक आपका स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा स्लो मोशन में स्टार्ट हो रहा है, मे बी आप जो भी काम करने जाएं तो उसमें थोड़ा सा स्टक हो जाएं, स्टक नहीं बोलूंगी मैं एक्चुअली इसको, मींस मूवमेंट बहुत स्लो तरीके से हो रहा है। अगर आप कोई काम भी करने जा रहे हो ना तो उसमें टाइम लग सकता है, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहे हो तो मे बी वो पर्सन आपको अवेलेबल ना मिले, है ना, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है काम में, स्टक नहीं बोलूंगी मैं इस चीज को, ओके। लेकिन ना आप इस वीक में मुझे स्ट्रेंथ बनाए हुए दिख रहे हो, मीन्स ठीक है, इट्स ओके, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई सिचुएशन अभी थोड़ी सी डिले चल रही है तो आप यही मेंटालिटी रखना, यही सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कई बार क्या रहता है कि अगर कोई काम आप करने गए उस टाइम के आपका उस टाइम पे वो आपका काम नहीं हुआ और बाय चांस थोड़ी देर बाद हो गया तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, है ना, तो वही चीज है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस वीक में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, वीक की स्टार्टिंग तो जरूर थोड़े से स्लो तरीके से हो रही है लेकिन मिड तक आते आते आपके फटाफट से काम बनने लगेंगे, मीन्स आप जो भी काम करने जाओगे ना सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल होती जाएंगी, ओके। अगर आप एजुकेशन में भी देखें तो अगर आप पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर रहे हो ना या किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा मीन्स आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, मे बी कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, लेकिन ना आप अपने इंट्यूशन की वजह से, आप अपने स्ट्रेंथ की वजह से वापस से अपने मोड में आ जाओगे, कंसंट्रेशन बना पाओगे। या आप जॉब करते हैं तो जॉब में स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि आपका ऐसा तो खैर होता ही है कि मंडे को जॉब में किसी का मन ही नहीं लगता है क्योंकि फिर ये फील आता है ना कि मंडे से लेकर सैटरडे तक काम ही करना है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके थोड़े से थॉट्स इस टाइप के रह सकते हैं लेकिन मिड तक आते आते ना आप एक एनर्जेटिक मोड में रहने वाले हो, मीन्स आप जो काम को करोगे वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा और उसको आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो भी करने जा रहे हो तो उसमें आप अपना 100% दीजिए, आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा जिस चीज का आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। मे बी ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या किसी पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है या आपके लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन चल रही होगी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो वर्कआउट हो सकती है, ठीक है। और आप ना काफी टाइम से ना थिंकिंग मोड में भी चल रहे थे, इस मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, या आप किसी जॉब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो मे बी वहां से आपको रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव नहीं मिलता, या आप करियर में भी कुछ ट्राई करते तो वहां पे रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता, या आपके पार्टनर ही आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स चीजें चल रही है ना वो सारी रिजोल्व होते हुए इस वीक में मुझे नजर आ रही है। रिजोल्व का तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता ही चुकी हूं कि स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है कि थोड़ी सी चीजें डिले हो रही है, बट वीक के एंड तक आप एक एस ऑफ पेंटिकल्स के मोड में होगे, न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हो। और जो भी आप करने जा रहे हो ना तो आप एक बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेरिटी देख सकते हो क्योंकि देखिए गार्डन टू द गेट टाइप का ये कार्ड है, तो मींस आप एक गार्डन में एंट्री लेने वाले हो। अभी तक आप माउंटेन्स में या ऐसी जगह पे थे जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, आप बहुत ज्यादा ढूंढ रहे थे, वही मैंने बोला ना अभी मिड ऑफ द रीडिंग में कि आप अपॉर्चुनिटी सीक कर रहे थे या किसी चीज का रिसोर्सेस का वेट कर रहे थे, है ना, तो आप इस गेट के उस साइड खड़े होकर वेट कर रहे थे। लेकिन इस वीक में आप इस गेट में एंट्री मार सकते हो, मीन्स आपके साथ सारी बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने होगी, जिस टाइप की आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में उस टाइप की आप ग्रोथ भी देख पाओगे, है ना। और मैं अगर लव लाइफ की यहाँ बात करूं तो लव लाइफ में कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन करने का तो सोच रहा है, उसने अपने माइंड में ये थॉट्स लेके तो आया है कि भाई आपसे कम्युनिकेट करना है, आपके पास ऑफर लेके जाना है। ऑफर, मेजर ऑफर की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पे क्योंकि पेज एंड नाइट का कार्ड आया है, ओके, तो कोई मेजर कार्ड्स नहीं है ये, लेकिन वो ना आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। यहाँ पे वॉन पे उनका फोकस है तो यहाँ पेंटिकल पे फोकस है, मीन्स फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, मीन्स आप पे है, ठीक है। और शायद उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है या कुछ ऐसी चीजें हुई है ना आप दोनों के बीच में कि ये वापस से आने के लिए ना इनको थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ रही है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है।
है ना, तो स्लो तरीके से मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ जब इनमें आ जाएगी ना तो ये फास्ट तरीके से मूव करके आपके पास कम्युनिकेशन लेके आएंगे। फिलहाल इनके थॉट्स में थोड़ा सा मुझे ब्लर नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, थॉट्स में अभी क्लैरिटी नहीं आई है इनके, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी ये कम्युनिकेशन लेके आएंगे और कोई न्यू बिगनिंग से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कहीं मीन्स कोस्टल एरिया से रिलेटेड कोई जगह पे रहते हैं, या आप रहते हो कोस्टल एरिया की जगहों पे, या आपके पार्टनर रहते हैं, है ना। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है ये वीक, मुझे आपका ना कोई भी नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है इस, तो ये वीक मुझे आपका ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ लग रहा है, कोई भी मुझे नेगेटिव सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, ओके। बस मून कार्ड के साथ मैं आपको एक अलर्ट देना चाहूंगी, अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं ना तो उनको मींस ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, तुरंत मूव ऑन करना है, तुरंत थॉट को चेंज करना है, ठीक है। आपके लिए और मैं एक कार्ड निकालना चाहूंगी एज अ गाइडेंस, क्या निकल के आता है और क्या फॉलो करना है आपको। तो मैं अगर लव लाइफ की यहाँ पे सम अप करके बताऊं आपको, पहले मैं कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैं कह ही रही हूँ, आप ना अपने पार्टनर का मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहे, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे, यहाँ भी वेटिंग पीरियड, यहाँ भी वेटिंग पीरियड, और मेरे पार्टनर ना काफी दूर से ट्रेवल करके आपके पास आ भी सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फॉरेन विजिट पे भी जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लग रहा है, तो अगर आपका प्लानिंग ऐसी बन रही है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं आपको क्या निकल के आता है इस वीक के लिए। मैरिज, ओके, तो मैं कह रही हूँ ना, तो कुछ तो भी मैरिज से रिलेटेड या कुछ आप देख रहे होंगे ना अपने पार्टनर के साइड से, कम्युनिकेशन या रिकंसिलेशन से रिलेटेड देख रहे होंगे, तो इस वीक में आप कुछ, मैं ज्यादा एकदम मैरिज की बात नहीं करूंगी लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। कोई मेजर डिस्कशन की बात नहीं करूंगी लेकिन छोटा मोटा कोई तो भी डिस्कशन होते हुए मुझे दिख रहा है इस वीक में। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके, बहुत ही प्यारा मैसेज आया है आपके लिए। जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही चीजें होती हैं, बस यही चीज है आपके थॉट्स पे। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक अलर्ट दिया था ना मून कार्ड के साथ कि नेगेटिव थॉट लेके नहीं आना है, इसमें वैसा ही मैसेज निकल के आया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट आता भी है ना तो आपको यही एफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं, रिनेवल मीन्स कोई भी चीज अभी तक जो स्टक चल रही थी या ये रिकवरी अपने आप ही निकल के आया, मैं इसको निकाल नहीं रही थी एक्चुअली कार्ड, तो ये शायद यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम से यहाँ पे डील कर रहे होंगे ना, कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही होगी, तो वो रिकवरी हो सकती है उसमें, और कोई चीज अभी तक डिले हो रही थी या स्टक हो गई तो वो वापस से रिन्यू भी हो सकती है,